Students. Welcome to my channel. Arithmetic mean का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन ने लास्ट में देखा था क्वेश्चन हम, लोग हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जो देखा था वो ये था कि मीन इक्वल टू समूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज ये हमारा बेसिक इसका कंसेप्ट था जो लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको याद होगा याद होना भी चाहिए एबिलिटी अगर तो साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे भूलेगा नहीं रिवाइज नहीं करोगे तो जो भूल जाएगा तो इसको साथ साथ आप लोग रिवाइज किया करें अच्छा जी एट अ रिटेल स्टोर आर पेड वेजेस लिस्टेड बिलो वट इज द मीन ऑफ दीज वेजेस वेजेस है उनकी इनके अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी की इनका मीन क्या है इनकी एवरेज क्या है प्लस नाइन पॉइंट टू फाइव प्लस एट पॉइंट सेवन फाइव प्लस नाइन पॉइंट फाइव जीरो प्लस सेवन पॉइंट टू फाइव और प्लस एट पॉइंट फाइव जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल कितने हैं टोटल हैं जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स को आप उनको डिवाइड अप कर दें ठीक है तो सबसे पहले अब आप, आप इनको प्लस अप करोगे Plus इनको प्लस अप करें फाइव औरवन और सेवन फोर्टीन फोर्टीन और फाइव नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स और वन ट्वेंटी सेवन टू कैरी सेवन नाइन सिक्सटीन एट ट्वेंटी फोर थर्टी थ्री फोर्टी फोर्टी एट और टू फिफ्टी कभी कभार को मिस्टेक हो भी जाती है तो इसमें आप देख लीजिएगा तो आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव अपॉन सिक्स अब आप लोग इसको डिवाइड कर दो फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स सिक्स एट हजार फोर्टी एट ये टू बच गया अब पॉइंट नीचे नहीं लेके आना पॉइंट को ऊपर लेके जाना सेवन नीचे होता सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर थ्री फिर फाइव नीचे आ गया इसी तरह फिर सिक्स फाइव थर्टी फिर फाइव बच गया इसके साथ आप लोग जीरो लगाएंगे सिक्स एट हजार फोर्टी एट यानी कीजिए आएगा एट पॉइंट 8.458. अब इसको अब हम लोग राउंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.46. 58 को मैंने राउंड करके सिक्स लिख दिया तो आप लोगों का ये ये जो आंसर है 8.46 ये आपका राइट आंसर है ठीक है जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा जा रहा है उसको रहा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा जा रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कोर्स अब इसमें भी आप लोगों ने सबको सम करना है मीन टू एटी थ्री प्लस सेवेंटी वन नाइनटी वन सेवेंटी नाइन एटी सेवन एटी नाइनटी फाइव सेवेंटी नाइन अपॉन टोटल वैल्यूज़ कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पर आप इनको आप डिवाइड अप कर दो अब आप इनको आप सम आप कर लें ये मैं इनको ऐसे मैं इनको सम कर लेता तो नाइन और फाइव फोर्टीन फोर्टीन और सेवन ट्वेंटी वन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी फाइव थ्री कैरी सेवन और नाइन सिक्सटीन एट ट्वेंटी फोर एट थर्टी टू थर्टी नाइन थर्टी और नाइन नाइन और सेवन फिफ्टी फाइव सिक्सटी और थ्री अगर कोई मिस्टेक हो गई तो वापस उसको देख लीजिएगा मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है तो डिवाइडेड बाई एट तो इसको अगर हम ऐट में हम डिवाइड हम करें सिक्स सिक्सटी फाइव अपॉन एट 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 दिक्सटी फोर कितना आ गया टू एट थ्री द्वेंटी फोर

वन थ्री फाइव वन टू जीरो अप टू वन ट्वेंटी थ्री फाइंड द मीन वेट ऑफ द नाइन स्टूडेंट्स आप इनको प्लस करें और इनको नाइन पे आप इनको डिवाइड अप कर दो वन थर्टी फाइव वन ट्वेंटी वन वन सिक्स वन वन नाइन वन ट्वेंटी वन वन टू फाइव वन थर्टी फाइव वन थर्टी वन और वन ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय नाइन इनको प्लस करते हैं थ्री वन फोर फाइव नाइन नाइन फाइव फोरटीन फिफ्टीन फिफ्टीन और नाइन ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी फाइव फाइव थ्री कैरी टू और थ्री फाइव और थ्री एट टू टेन टू ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फोर्टीन और टू सिक्सटीन सिक्सटीन और थ्री 19. 19 जो कैरी थे ट्वेंटी टू टू कैरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टू इलेवन ये आपका डिवाइड बाई नाइन आप इसको इस तरह आप इनको सम कीजिएगा ये आप लोगों ने इस तरह इनको सम करना है ऑन ठीक है अच्छा जी अब इसको आप नाइन पे आप डिवाइड अप करें ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन तो मीन कितना आ गया वन ट्वेंटी फाइव ठीक है जी आई होप सो सबको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर नाइन अब जो क्वेश्चन नंबर नाइन है जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन रीड आउट किया था जहाँ पे हम लोगों ने व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमने नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन में अब आप लोगों ने सम फाइंड आउट करना है द मीन ऑफ अ सेट ऑफ सेवन नंबर थर्टीन वट इज द सम ऑफ वैल्यूज तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन इक्व टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज अब द मीन ऑफ सेट ऑफ सेवन नंबर मीन इज थर्टीन मीन की वैल्यू थर्टीन है ऑफ अ सेट ऑफ सेवन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है सेवन क्वेश्चन ये व्हाट इज द सम ऑफ नंबर उनका सम क्या होगा सम को आप लोग एक्स रख ले सम को एक्स रख दो सम लिख लो जैसे मर्जी सेवन इधर नीचे डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यानी आपके पास यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज कितना आएगा ठीक है क्लियर ओके क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं 10 में अब फिर वही बात अब आप लोगों ने नंबर ऑफ वैल्यूज आपने फाइंड आउट द मीन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा नाइन एंड द सम ऑफ डाटा इज वन थ्री नाइन फाइव

अब आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में एक्स को उधर रहने दो और टू सेवेंटी नाइन को आप लोग उधर डिवाइड कर दो वन थ्री नाइन फाइव डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी नाइन अब इसको भी अब उसी तरह जैसे आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ था कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको सबसे पहले तो आप लोग कोशिश करो कि अगर किसी टेबल पे अगर ये डिवाइड होता है तो आप इसको आप डिवाइड अप कर दो अगर टेबल पे नहीं डिवाइड होता फिर आप इसको पूरे का पूरा इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर लो ये टू नाइन के साथ अब टू नाइन के साथ अब आप लोगों को बारी बारी आपको चेक करना पड़ेगा यानी कि टू नाइन को अगर मैं सिक्स से अगर मैं चेक करता हूँ ये तो बढ़ गई वैल्यूज इसको अगर मैं फाइव के साथ अगर मैं चेक करूँ टू सेवन इंटू फाइव फाइव नाइन फोर्टी फाइव फोर फाइव सेवन दर्टी फाइव और thirty nine four five फाइव टू ten ये ये यहाँ पे 3 करी है five seven दर्ट thirty five फोर thirty nine three करी फाइव टू ten और three thirteen देखें ये पूरे का पूरा टेबल जा रहा है five हज़ार two seventy nine five हजार one three nine five तो इसका मतलब आप लोगों का यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है five two seventy nine five हज़ार one three nine ठीक है अगर ये नहीं तो फिर आपस पे आप चेक कर लो इस पे 3 का टेबल जा रहा है 3 पे 279 पे भी जा रहा है 3 का टेबल ऊपर वाले पे भी जा रहा है आप इसको सिंपलीफाई करके आंसर निकाले वो भी आपका आंसर 5 ही आएगा क्वेश्चन नंबर इसका जो अरिथमेटिक मीन का मेरे पास जो बुक में जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ द अरिथमेटिक मीन मींस ऑफ मीन्स नहीं ये मीन है एक मिनट मैं इसको क्लियर झरा कर लूं इफ टिक मीन है ये ये मीन्स नहीं है ठीक है चले ओके okay. अच्छा जी इफ मीन ऑफ टू द वैल्यू ऑफ अब वो कहता है कि अरेथमेटिक मीन की जो वैल्यू है ना वो ट्वेल्व है लेकिन किस किस का अरेथमेटिक मीन है टू सेवन और एक्सते अच्छा मीन वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज देखिये अरिथमेटिक मीन इज 12 अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 12 है तो ये 12 आ गई किस किस का अरिथमेटिक मीन टू सेवन एंड एक्स का तो ये टू प्लस सेवन प्लस एक्स आ गई इक्वेशन कंप्लीट है नहीं इक्वेशन कंप्लीट नहीं क्योंकि नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज में नहीं लिखी नंबर ऑफ वैल्यूज नीचे आएंगे थ्री ठीक है अब इक्वेजन कम्प्लीट है आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो थ्री को पहले इधर आके मल्टीप्लाई कर दो ट्वेल्व इंटू थ्री इनको प्लस करें टू प्लस सेवन नाइन प्लस एक्स ये आ जाएगा थर्टी सिक्स इक्वल टू नाइन प्लस एक्स नाइन को इधर माइनस कर दें थर्टी सिक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू एक्स तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी सेवन यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए ट्वेंटी सेवन लोगों का जो डी ऑप्शन है ये ओके राइट ऑप्शन है तो होप uh, सो so, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो अरेथमेटिक मीन का जो पूरा चैप्टर है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा इन शि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना ये एवरेज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज के अंदर मेरे पास बुक में अबाउट फिफ्टी क्वेश्चन है फाइव जीरो तो इन जी तो उनको फिर हम लोग इन शाला डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह थैंक यू जी असल नेक्स्ट वीडियो में इनशाला बहुत जल्दी मिलते हैं असल हाफिज